मानव रचना यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में 11वें मानव रचना कॉरपोरेट क्रिकेट चैलेंज कप 2018 का आयोजन किया गया, जिसके फाइनल मैच में विजयी टीम को ट्रॉफी देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ और रितेंद्र सिंह सोढ़ी पहुंचे, जिन्होंने पहले मारुति सुजुकी क्रिकेट टीम और स्लेज हैमर क्रिकेट टीम के बीच में हुए रोमांचक फाइनल मुकाबले का लुत्फ उठाया, जिसमें स्लेज हैमर क्रिकेट टीम ने मारुति सुजुकी टीम को 16वें ओवर में 6 विकेट से हराकर विजय हासिल की। विजेता टीम को क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने अपने हाथों से ट्रॉफी भेंट की और सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। रचना कॉरपोरेट क्रिकेट कप के 11वें सीजन पर स्लेज हैमर ने कब्जा किया है। स्लेज हैमर ने 2 रन और 6 विकेट से मारुति सुजुकी को हराया। मारुति ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और फिर 20 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 237 रन बनाए। वहीं स्लेज हैमर ने महज 17 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 239 रन बनाकर जीत हासिल की। निर्माण अत्री 23 बॉल पर 57 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। टूर्नामेंट के दौरान बेस्ट बॉलर रहे होंडा कार के विक्रम, टूर्नामेंट के बेस्ट बैट्समैन रहे स्लेज हैमर के निवेद मिश्रा, जबकि फेयर प्ले ट्रॉफी का खिताब होंडा मोटरसाइकिल ने हासिल किया है। इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे मोहम्मद कैफ और रितेंद्र सिंह सोढ़ी ने खिलाड़ियों का मान बढ़ाया। विजेता टीम को क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने अपने हाथों से ट्रॉफी भेंट की और सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। वहीं जब मोहम्मद कैफ से मीडिया कर्मियों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने नो कमेंट बोलकर सभी को मना कर दिया। फरीदाबाद टाइम्स में आज बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात फरीदाबाद और पलवल की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।